नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर उत्तराखंड के सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कई केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और राज्य हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जब जब दिल्ली जाते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेकर के आते हैं। हालांकि उन्होंने UK SSC और विधानसभा के मुद्दों पर लगातार जांच जारी है कहा और विधानसभा भर्ती प्रक्रिया को लेकर जल्दी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते रहते हैं और अपने दिल्ली दौरे में वे हमारे केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, संगठन के बड़े नेताओं से मिलते हैं और विभिन्न अवसरों पर उनकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से भी होती है। और हर बार जब भी जाते हैं तो प्रदेश के हित के लिए कोई ना कोई बात करके और आश्वासन लेकर के या किसी प्रकार की घोषणा लेकर के आते हैं। इस बार भी जो उनका दौरा है वे विकास से भी जुड़ा हुआ है और कुछ संगठनात्मक बिंदु भी हो सकते हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनका दौरा महत्वपूर्ण है। और जो कुछ भी स्थिति रहेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रेस से बात करेंगे उसे पूरी बात को स्पष्ट कर देंगे। लेकिन जहाँ तक भर्ती घोटाले का सवाल है तो जहाँ एक और UPS की जो भर्ती है, जो जांच चल रही है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और विधानसभा भर्ती के मामले में अंतिम रिपोर्ट भी आ चुकी है जो माननीय अध्यक्ष जी के पास पहुँच गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में उन्होंने कहा कि पार्टी में बड़े व जनाधार वाले नेताओं की उपेक्षा हो रही है, उनके स्थान पर किसी बड़े नेता को सम्मिलित किया जाए। आपको बता दें कि त्याग पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देहरादून के परेड मैदान में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के संगठन ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अपनी अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले भी सरकार और शासन से बातचीत कर चुके लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई, मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अब उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो फिर से 27 सितंबर और 7 अक्टूबर को भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बावजूद भी मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना अनिश्चितकालीन भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार की तर्ज पर कर्मचारी के डाउनग्रेड वेतन के जो अन्यायपूर्ण निर्णय लिए हैं, सरकार को इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। हम लोग मानदेय को लेकर, जो हमारा मानदेय नहीं आ रहा कई महीनों से, और भवन किराया, हमारा यात्रा भत्ता जो दुल्हन का नहीं मिल रहा है और हमारे जो अत्याचार का राशन है वो नहीं मिल रहा है, जो अनेक समस्याएं हमें अन्य विभागों में काम किया दिया जाता है आंगनबाड़ियों को, उनको लेकर जो हमारे सुपरवाइजर के पदों पर रोक लगी हुई है उसको लेकर, हम अन्य जो हमारे कार्य है उसको लेकर हम लोग यहाँ पे आज सीएम आवास जा रहे हैं। मानदेय बढ़ाने वाली बात तो चली रही है, राज्य कर्मचारी वाली बात करी, लेकिन मानदेय जो पिछला मानदेय धामी जी ने बढ़ाया था उस पर हमने उनको स्वागत भी किया था, उनको सम्मान भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा था DBT के माध्यम से डायरेक्ट हमारे खातों में आएगा, लेकिन वो जब से उन्होंने बोला एक बार का केवल हमारे खातों में मानदेय आया, उसके बाद हमारा जो मानदेय लगातार आना था वो नहीं आ रहा है, कभी केंद्रानुसार है कभी राज्यानुसार, पता ही नहीं चल रहा कि कैसे हमारे खातों में कब का मानदेय, कई महीनों से नहीं आ पाया है। भवन किराए जो केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उन पर कोई भवन किराया नहीं आ पाया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के लिए उत्तराखंड पहुंची तमाम दिग्गज खिलाड़ी, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने हैं 6 मैच। बीते रोज भी उत्तराखंड पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाड़ी। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सचिन तेंदुलकर के साथ तमाम दिग्गज खिलाड़ी देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 चल रही है जिसमें क्रिकेट के तमाम दिग्गज खिलाड़ी दिखाई दिए देहरादून में। कल दिल्ली में किसाऊ जल विद्युत परियोजना को लेकर उत्तराखंड हिमाचल अपना पक्ष रखेंगे। किसाऊ परियोजना पर सीएम धामी की बैठक का सबसे अहम एजेंडा
न्यूज वन इंडिया पर सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी दोनों राज्य चाहते हैं कि 10% का खर्च अन्य चार राज्य भी उठाएं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को योजना का लाभ मिलने वाले हैं और उत्तराखंड, हिमाचल को बड़ा विस्थापन से लेकर अन्य तैयारी करनी होगी। इस परियोजना से उत्तराखंड को बिजली नहीं मिलेगी, जबकि पेयजल सिंचाई के लिए छोटे प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना के बाद ये दूसरी बड़ी परियोजना होगी। करीब 10 अलग अलग जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिए जाने को भी मुद्दा उठाएंगे। केंद्र के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है, जल शक्ति मंत्रालय की मंजूरी बाकी है। ब्रिटेन की महारानी के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में उठ रहा है वो है महारानी के ताज में लगा कोहिनूर हीरा। आपको बता दें कि कोहिनूर हीरा भारत की संपत्ति थी, जिसे अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र के तहत राजा दिलीप सिंह से लेकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। वहीं एक बार फिर कीमती कोहिनूर हीरे को वापस भारत लाने की मांग उठने लगी है। मसूरी के मशहूर इतिहासकार गोपाल दास भारद्वाज बताते कि कोहिनूर हीरे के मालिक महाराजा दिलीप सिंह का पहाड़ों की रानी मसूरी में इतिहास छुपा हुआ है। अंग्रेज हमारे देश में आए, जब अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी हमारा हिंदुस्तान का 1/3 हिस्सा अपने साम्राज्य में वो कर लिया था। लेकिन जो पंजाब था महाराजा रणजीत सिंह के अंदर, वो उन्होंने एक तरह से षड्यंत्र करके जीता, क्योंकि जो महाराजा दिलीप सिंह के बेटे थे, महाराजा दिलीप सिंह वो अल्पायु थे, माइनर थे, तो उनको अब उस बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था और उनके सैनिकों को और सेनापतियों को अपनी तरफ किसी तरह दाम दंड भेद से किसी तरह अपनी तरफ करके वो एक तरह से उनके साथ अन्याय किया गया, महाराजा दिलीप सिंह के साथ। और जब उनका 1846 में जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई है, जो अंग्रेजों और सिखों की जो आखिरी वॉर हुई है 1846 में, उसके बाद एक संधि की गई और संधि में ये है कि जो महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य है वो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला दिया। अंग्रेज देहरादून में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबे 204 करोड़ में से 100 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड परिवहन विभाग के खाते में आ गई है। आपको बता दें, परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने पत्रकार से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ये एक बड़ी उपलब्धि है, अब जल्द ही परिवहन विभाग बसों की संख्या में बढ़ोतरी करेगा। वहीं सभी बसें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खरीदी जाएंगी। बहुत ही सुखद अनुभूति का है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 204 करोड़ रुपया हमको देना था। अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मार्च में 104 करोड़ रुपया उत्तराखंड को दिया था। और आज बहुत ही सुखद मैं मीडिया के सामने ये बोल रहा हूँ कि जो बचा हुआ 100 करोड़ रुपया था, कल ही उत्तराखंड रोडवेज के खाते में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रयासों से हमारे खाते में 100 करोड़ रुपए की धनराशि आ गई है। देहरादून में दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर सरकार ग्रीन सेस लगाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जो कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि एसएस एक प्रतिशत रखा जाएगा। परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहनों से एंट्री टैक्स वसूल करता है, लेकिन अब कमर्शियल और निजी वाहनों से 1% ग्रीन सेस वसूला जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। साथ-साथ ये प्रस्ताव आ रहा है कि हम सेस के रूप में हम उसको लेंगे, और ये प्रस्ताव और सेस जो है 1% होता है, उसका प्रस्ताव हम यहाँ लाएंगे, कैबिनेट बनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो राजस्व वसूली का
दो तीन ही विभाग हैं, उसमें मुख्य विभाग ट्रांसपोर्ट भी है, मगर हम इतना टैक्स या इतना सेस नहीं लेंगे जो जिसका अनावश्यक बोझ हमारे जनता में पड़े, मगर राज्य की जो आमदनी है उसको बढ़ाना भी बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, क्योंकि जो बीच में कैबिनेट में मामला आया, अपने प्रदेश में जो नॉन प्लान का खर्च है वो 75% है और प्लान है 25%, और जब 25% हमारा प्लान है तो राज्य का विकास कैसे हो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके लिए हमको राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए कई स्रोत भी ढूंढने हैं। नई टिहरी कोटेश्वर बांध प्रभावित पायाल गांव के ग्रामीणों ने व्यवस्थापन सहित अन्य मांगों के निराकरण को लेकर जीरो ब्रिज कोटेश्वर मार्ग पर चक्का जाम कर बांध परियोजना के वाहनों को रोक दिया। आपको बता दें, ग्रामीणों के रोष को देखते हुए टीएचडीसी के महाप्रबंधक के घिल्डियाल और तहसीलदार रेणु सैनी ने बैठक में ग्रामीणों को आश्वासन दिया। 23 सितंबर तक सभी समस्याओं पर चर्चा का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम स्थगित किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो 24 सितंबर से दोबारा चक्का जाम किया जाएगा। हमारे हायर अफसर से बात कराने जा रहे हैं और 4-5 दिन में उनके साथ मीटिंग रखवाएंगे और वो मीटिंग वो अपने जो हड़ताल है उसको बंद करेंगे, उन्होंने कहा। हमारे हायर अफसर से बात कराने जा रहे हैं और 4-5 दिन में उनके साथ मीटिंग रखवाएंगे और वो मीटिंग वो अपने जो हड़ताल है उसको बंद करेंगे, उन्होंने कहा। हमारे हायर अफसर से बात कराने जा रहे हैं और 4-5 दिन में उनके साथ मीटिंग रखवाएंगे और वो मीटिंग वो अपने जो हड़ताल है उसको बंद करेंगे, उन्होंने कहा। हमारे हायर अफसर से बात कराने जा रहे हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी और इसी माह के आखिर तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उत्तराखंड का दौरा है और नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए और क्या करने की जरूरत है, इस पर भी चर्चा होगी। हम इसी माह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ आने वाले हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, हम उच्च शिक्षा में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 उसको लागू करने जा रहे हैं। जैसे उनका समय मिलेगा वैसे आप लोगों को बता दिया जाए। हम देहरादून की ईडी कार्यालय पहुंची कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ईडी के अधिकारियों को देना चाह रहे थे ज्ञापन और काफी देर इंतजार करने के बाद ईडी के अधिकारी बाहर ही नहीं आए, गेट के ताले को धक्का देकर तोड़ करके अंदर पहुंचे कार्यकर्ता और ईडी कार्यालय के अंदर बैठकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। UK SSSC पेपर लीक मामले में प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर छात्रों ने मसूरी के शहीद स्थल पर नुक्कड़ नाटक कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद किया। स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए कन्या भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ से लेकर दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर कटाक्ष करते हुए लोगों को जागरूक किया। साथ ही बेटियों को बेटों के बराबर शिक्षित करने की अपील की गई। और खबर देहरादून की डोईवाला से है, जहां उद्योगपति मुकेश अंबानी पहुंचे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। दरअसल बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे मुकेश अंबानी और दर्शन न होने की वजह से अब वापस मुंबई जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।